हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे उसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो पाए। और चाहे आप जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं, नीट या गेट या फिर होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन ओपन है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड लिमिट दिस, तो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करें थ्योरम जो हमने किया था, जैसे सैंडविच थ्योरम किया, कुसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट किया, और अभी हमने किया भी किया कुसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो आप स्कैन करें, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा ही यही क्वेश्चन आ जाता है, तो फर्स्ट थ्योरम उसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या था, अरिथमेटिक मीन वाली सिक्वेंस थी ना, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे, मतलब कुसी फर्स्ट थ्योरम आप अवॉइड करेंगे। हाँ, सैंडविच थ्योरम आप कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे अगर आप देखें थोड़ा सा इस टर्म को, मतलब यहाँ पे कुसी सेकेंड थ्योरम क्या था, सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, अगर एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की एफ एन, ठीक है ना, सच दैट इसके करेस्पॉन्डिंग अगर मैं ये सीक्वेंस बनाता हूं तो ये कन्वर्ज करती है मान लीजिए एल पे, तो कुसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या बोलता है कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी कन्वर्ज करेगी और किस पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये मेरा था कुसी सेकेंड थ्योरम। अब प्लीज देखिए यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट पूरा आप देखे हुए हैं कुसी सेकेंड थ्योरम का, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो ये रेज टू द पावर 1/n आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पहली चीज कि इसको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस बाई एन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन मैं ऐसे यूज करता हूं फ्रेंड्स, रिसेंट जो ऐसे आप लिखते हैं एन फैक्टोरियल, जब हम पढ़ा करते थे 11 12th में तो बुक में ऐसे ये नोटेशन फैक्टोरियल का यूज करते थे, तो मेरी आदत है मैं ऐसे लिखता हूं और ये लिखू मतलब एन फैक्टोरियल है, ठीक है ना, मेरी आदत है तो मैं इसी से कंफर्टेबल हूं, बट मैंने आपको बता दिया। एनीवेज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू द पावर एन और होल रेज टू द पावर 1/n, ये लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ना, इसको अगर मैं एफ एन ले लू, सो लेट एफ एन, इसको मैंने क्या लिया फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका होल रेज के पावर 1/n ऐसा आ रहा है, मतलब मैं कुसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स निकाल सकता हूं। अब यहां पे मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट दिखानी होगी, फाइनाइट है यही ना, तो मैं यहां पे ये ले लूंगा, इस केस में अगर एफ एन ये मैं एज्यूम करता हूं तो एफ एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन की जगह बस एन प्लस वन से आप रिप्लेस कर दीजिए प्लीज, ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन, प्लीज चेक करिए ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या लगा दिखाना है कि इसकी लिमिट फाइनाइट होगी, तो पहले आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन प्लस वन आपने लिखा है फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एफ एन मेरा क्या है फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू द पावर एन, इसको आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एन रेस टू द पावर एन, ऊपर जाएगा यहां से फैक्टोरियल एन ये आएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, रिजल्ट है फ्रेंड्स फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को मैंने लगा दिया। यहां पे मैं लिख सकता हूं एन प्लस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन, और देखिए ये एन रेज टू द पावर एन रहने दीजिए और यहां पे इसको फैक्टोरियल एन, अब देखिए फैक्टोरियल एन से कैंसिल हो गया, और ये देखिए एन प्लस वन है इसके पावर वन, यहाँ पे ये देखिए एन प्लस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये कैंसिल आउट कर लेगी, तो ऊपर एन रेज टू द पावर एन ये, और एक यहां से पावर कम हो जाएगा नीचे, तो एन प्लस वन रेज टू द पावर एन,
अल्टीमेट मैं इसको लिख सकता हूँ एन बाई एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर एन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए या ऐसे करिए, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दीजिए अंदर वाली क्वांटिटी को, तो ये हो जाएगा। अगर मैं सही हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लीज इसको चेक करिएगा दिस, और ऊपर वन है तो उसके पावर एन लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसकी लिमिट मुझे निकालनी है, तो अब मैं निकाल सकता हूं नाउ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। कन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, लिमिट निकालेंगे यूनिक है ना, और फाइनाइट क्वांटिटी जैसे एल, तो आप निकाल दीजिए एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन, तो क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट किया है वन प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर एन, और ये लिमिट आप पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स, ये लिमिट मेरी ई आती है, ठीक है ना, ये लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर एन, ये मेरी क्या आती है ई आती है। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिट रखेंगे तो वन के पावर इंफिनिटी फॉर्म लेता है, और ये निकालना जानते हैं वाई एजूम करिएगा लॉग लेके आप करते हैं ई आएगा, आप इसको करिएगा। मैं पीछे कहीं ना कहीं इसको किया था, किसी न किसी न्यूमेरिकल में ये निकाल के दिखाया हूँ, मे बी ई या वन ऐसा कुछ था, बट मैं वन टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म का जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है उसको मैं निकाला, तो ये मेरी लिमिट क्या आ जाएगी वन बाई ई, ये लिमिट फाइनाइट आ गई, फाइनाइट आ गई दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो मेरी करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनेगी दैट मीन्स बाई कोसी फर्स्ट थ्योरम, सॉरी कोसी सेकेंड थ्योरम, सो देन बाई कोसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स ये जो सीक्वेंस है एफ एन रेज टू द पावर वन बाई एन, और ये सीक्वेंस है क्या, अभी आप करेंगे। एफ एन को आपने क्या एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में, देखिए एफ एन को आपने ये एज्यूम किया है इसके रेज के पावर वन, मतलब रेज के पावर वन बाई एन करेंगे तो जो क्वेश्चन में था यही आ जाएगा। तो दिस विल बी जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या था, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ वन बाई एन जो क्वेश्चन में था वही मैं लिख देता हूँ, फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर वन बाई एन, ये जो सिक्वेंस होगी देख लीजिए सॉरी क्वेश्चन में ये था ना, तो ठीक है। सो दिस देन बाय कोसिंग दिस विल आल्सो कन्वर्स, विल आल्सो कन्वर्स एट लिमिट, लिमिट यही वन बाय एन फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर वन बाय एन, लिमिट मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, दिस विल बी सेम एज ये जो लिमिट आई है, और ये लिमिट मेरी क्या है वन बाई ई, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, लगे हाथ कर देता हूं एक अच्छा और क्वेश्चन, एक और अच्छा एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें मैं हिंट दूंगा, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस यहां पे मैं लिख दिया एन बाई यहां पे एन प्लस वन, ठीक है एन प्लस टू इस तरह से टू एन, ठीक है, और नीचे के पावर, नीचे जो है ना के पावर या रेज टू द पावर वन बाई एन है, ये मेरी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का आपको लिमिट निकालना है। अब अगेन वही करेंगे, कोसी फर्स्ट थ्योरम लगा नहीं सकते, सैंडविच थ्योरम यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम भी कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं रेज के पावर वन बाई एन आ जाए मतलब मैं कोसी सेकेंड थ्योरम लगाऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे रेज के पावर वन बाई एन था, मतलब हम ये कोसी सेकेंड थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। तो कोसी सेकेंड थ्योरम लगाने से पहले को एफ एन को चूज करना पड़ता है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑब्वियस ही बात है कोसी सेकेंड थ्योरम में ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ एन क्या होगा जिसका रेज टू द पावर वन बाई एन ले तो ये आ, तो ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूशन की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे जो सीक्वेंस एज्यूम करेंगे सो लेट एफ एन एफ एन दिस इज इक्वल टू, आप देखिए ये क्या मैं लिख सकता हूं एन रेज टू द पावर एन अपॉन, चेक करिएगा अपॉन एन प्लस वन
प्लस टू डॉट डॉट मल्टीप्लाई करना है टू एन। अगर मैं ये ले लूं फ्रेंड्स तो इसके रेज की पावर वन बाई एन करेंगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। बस अब इसके आगे आपका होमवर्क है, तो यहां से आप एफ एन प्लस वन निकाल लेंगे, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई एन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे एन प्लस टू आ जाएगा, एन प्लस थ्री आ जाएगा और इस तरह से आप जाएंगे तो यहाँ पे टू एन प्लस टू आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपका आप क्या करना है, आपको बस दिखा देना है कि ये जो सीक्वेंस मेरी बनेगी एफ एन प्लस वन बाई एफ एन, इसकी लिमिट फाइंड आ जाएगी, मतलब ये कन्वर्ज करेगी। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, ये लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन। मैंने इसको कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, जो लिमिट इसकी आ रही है वो आ रही है, वो मेरी लिमिट आ रही है ई बाई फोर, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। ये लिमिट आप निकालेंगे ई बाई फोर आ जाएगी, तो बाई हुस इज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है ना। लिमिट्स ये जो मेरी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एन अपॉन प्लस वन एन प्लस टू एन मतलब टू एन कर दीजिए और रेज टू द पावर वन बाई एन, दिस विल बी एग्जैक्टली दिस लिमिट ई बाई फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ई बाई फोर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट बस सिंपल सा ये कैलकुलेशन कर लेना है और बाकी सारी चीजें अपने आप कर लेना। सो ये था ऑल अबाउट कूसी सेकेंड थ्योरम, मैंने इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, प्रूव किया और इस पे दो न्यूमेरिकल्स किए, तो आई थिंक ये इतना सफिशियंट है। अब एक और थ्योरम है, उसका बस स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, उसका प्रूव नहीं करूंगा, सेजारो थ्योरम। बट बिफोर दैट ये अप्रोच होना चाहिए आपका, चाहे आप नेट का प्रिपरेशन करें, गेट का प्रिपरेशन करें या जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही अप्रोच होता है हमारे लाइव क्लासेस में, पेन ड्राइव कोर्सेज, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, हम यही आपको बेस पे बिल्कुल क्लियर बेस क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। अब लास्टली अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करें, अदरवाइज अगर आप विजिट करते रहते हैं रेगुलरली बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जनरली ऐसा होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि अब यहाँ पे हम आगे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे फ्रेंड्स, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।